हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बढ़िया खुशखबरी है जो कि इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर का न्यू भर्ती आ गया है। तो दोस्तों, जिसमें हम लोग बात करेंगे अप्लाई डेट कब होने वाला है, एज लिमिटेड क्या होने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, ए टू जेड जानकारी आपको मिलने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि फ्यूचर में आने वाली हर अपडेट आपको मिलती रहे। सो दोस्तों, इसमें सबसे बढ़िया गुड न्यूज है कि पहले अग्निवीर में 25% को परमानेंट किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो 50% को परमानेंट करने का चर्चा चल रहा है। सो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए वीडियो को दोस्तों स्टार्ट कर, सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग टोटल पोस्ट की। इस बार तो अग्निवीर में जो भर्ती आई है उसमें टोटल पोस्ट कितनी होने वाली है। तो टोटल पोस्ट 3500 है इसमें टोटल पोस्ट, जिसमें कि अप्लाई डेट की बात करें तो 27 जुलाई से 17 अगस्त के बीच इसका अप्लाई डेट होने वाला है, देख सकते हैं आपस। और फी की बात करें तो ₹250 लगने वाला है फॉर ऑल कैंडिडेट, चाहे आप मेल हो, फीमेल हो, एसटी एससी ओबीसी कोई सभी कैटेगरी के हो, आप लोगों को ₹250 चार्ज करना पड़ेगा अप्लाई करने के लिए। सो दोस्तों, उसके बाद देख लेते हैं एग्जाम डेट। जो एग्जाम डेट जो है पहले से मेंशन कर दिया गया है, जो कि 13 अक्टूबर से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। इसमें डेट ऑफ बर्थ देख लेते हैं, जैसे कि 27/6/2003 से 27/12/2006 के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ है तो इस फॉर्म के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। देख सकते हो इसको 27/6/2003 से 27/12/2006 के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। उसके बाद देख लेते हैं क्वालिफिकेशन। जैसे कि आप लोग एक्स ग्रुप के लिए अप्लाई करोगे तो आप लोग साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, मतलब साइंस सब्जेक्ट से पढ़ा हुआ होना चाहिए। इसमें है 10th+12th, मतलब 12वीं पास होना चाहिए, और 12वीं में मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश होना चाहिए 50% के साथ, और इंग्लिश में भी 50% होना चाहिए, तभी आप लोग एक्स ग्रुप के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद देख लेते हैं वाई ग्रुप के लिए। जैसे कि आप लोग वाई ग्रुप के लिए अप्लाई करोगे तो अदर देन साइंस, मतलब किसी भी स्ट्रीम से आप लोग 12th क्लास किए हो, जैसे कि आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, किसी भी स्ट्रीम से, जिसमें कि 50% होना चाहिए एग्रीगेट करके, और इंग्लिश में भी 50%, मतलब 50 नंबर होना चाहिए, तभी आप लोग वाई ग्रुप के लिए अप्लाई कर सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख सकते हो एक्स ग्रुप का है, ये वाई ग्रुप का है। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस जो है 3 स्टेप में कम्प्लीट होने वाला है। सबसे पहले रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, देन मेडिकल होगा सिलेक्शन प्रोसेस। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग एग्जाम देख लेते हैं, एग्जाम के लिए सिलेबस देख लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग एक्स ग्रुप के लिए अप्लाई करोगे, एक्स ग्रुप के लिए, तो एक्स ग्रुप के लिए सिलेबस देख लेते हैं। इंग्लिश से 20 क्वेश्चन, फिजिक्स से 25 क्वेश्चन, मैथ से 25 क्वेश्चन आने वाला है, जिसमें कि टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 70 क्वेश्चन होंगे, और 60 मिनट का टाइम आपको मिलने वाला है, और नेगेटिव मार्किंग 0.25 होने वाला है। ये है एक सब ग्रुप का सिलेबस। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग वाई ग्रुप के लिए। जैसे कि आप लोग अप्लाई करोगे तो वाई ग्रुप के लिए सिलेबस देख लेते हैं। इंग्लिश से 20 क्वेश्चन आने वाला है, और रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस से 30 क्वेश्चन आने वाला है। टोटल क्वेश्चन की बात करें तो टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, 45 मिनट का समय मिलेगा, और नेगेटिव मार्किंग 0.25 होने वाला है। एक्स ग्रुप के लिए ये है और वाई ग्रुप के लिए ये है। जैसे कि आप लोग एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दोनों के लिए अप्लाई करोगे तो उसके लिए अलग सिलेबस है। जैसे कि एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप, इसमें इंग्लिश से 20 क्वेश्चन, फिजिक्स से 25 क्वेश्चन, मैथ से 25 क्वेश्चन, और रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस से 30 क्वेश्चन आने वाला है। टोटल क्वेश्चन की बात करें तो टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, और 85 मिनट का समय मिलेगा, और इसमें भी 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगा। इस तरह का सिलेबस होने वाला है एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के लिए, देख सकते हो आप लोग। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस में। सबसे पहले तो एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल होगा। तो फिजिकल क्या क्या होने वाला है, कैसे कैसे होता है देख लो। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग फिजिकल दिलाने जाओगे तो सबसे पहले तो हाइट का मेजरमेंट किया जाएगा, जो कि हाइट जो है मेल कैंडिडेट के लिए 152.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन, मतलब 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। रनिंग देख लेते हैं, मेल के लिए 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में करना है, और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8 मिनट में कंप्लीट करना है। मेल कैंडिडेट के लिए पुशअप 10 पुशअप,
10 सेटअप करना है और स्क्वाट्स 20 करना है, और फीमेल के लिए 10 सेटअप और स्क्वाट्स 15 करना है। इस तरह का फिजिकल होने वाला है। देन फिजिकल हो जाएगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग अप्लाई डेट को एक बार फिर से देख सकते हो, 27 जुलाई से 17 अगस्त के बीच इसका अप्लाई होने वाला है। उसके बाद जो है डेट ऑफ बर्थ देख लो, 27/6/2003 से 27/12/2006 के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों इसमें सबसे अच्छी बात है, पहले इसमें 25% अग्निवीर को परमानेंट किया जाता था, अब 50% को परमानेंट करने का चर्चा चल रहा है। सो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।